the Dawn Express. Aina Sashka. नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉन एक्सप्रेस और मैं आपकी होस्ट एनी शर्मा आप सबके सामने एक बार फिर से अलग अलग खबरों के साथ आ चुकी हूं। और आप शुरू करने से पहले आपको कहना चाहती हूं कि हमारी ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं रिपोर्ट की डॉक्टर सत्यवान सौरभ जी की, जो एक रिसर्चर हैं, स्कॉलर हैं इन पॉलिटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी में। वो लिखते हैं कि जो बाइडेन संयुक्त राज्य अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बन गए हैं, उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराया है। वर्तमान दुनिया में अमेरिका सबसे प्रभावशाली देश है, इसलिए अमेरिका में सत्ता परिवर्तन का दुनिया के अधिकांश देशों पर प्रभाव पड़ेगा। भारत कुछ समय से अमेरिका के महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में सामने उभर कर आ रहा था। अमेरिका में हाउडी मोदी और भारत में नमस्ते ट्रंप दोनों ही देशों के नेताओं के बीच घनिष्ठता का प्रणाम रहा है। इस स्थिति में अमेरिका में सत्ता परिवर्तन से भारत और अमेरिका के संबंधों में आयाम में बदलाव जरूर आएंगे। जी हाँ, हम सबको याद है कि किस तरीके से हाउडी मोदी का पूरा प्रोग्राम किया गया था और साथ ही साथ नमस्ते ट्रंप भी किया गया था। इसके सबसे ऊपर श्री बाइडेन के विदेश नीति को देखा जाएगा कि वह विदेश, स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को, मानवाधिकार परिषद, संयुक्त राष्ट्र योजना जैसे समझौतों के सहित ट्रंप की बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था में कितना उलटफेर करते हैं। जी हां, रिश्तों में कितना सामान्य स्थिति में वापस आ सकती हैं, ये अब उनकी सत्ता के आने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए बात करते हैं अब दूसरी खबर की। आजकल लड़कियां हर वो काम करने में सक्षम हैं जो बाकी लड़के नहीं करते, या फिर यूं कहें लड़के भी कर लेते हैं। ऐसे में पंजाब के पठानकोट में एक ऐसी लड़की का नाम सामने आया है जिसने भारत देश का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि पंजाब के पठानकोट में रहने वाली डॉक्टर रुचि महाजन ने अमेरिका की मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी की डॉक्टर रिसर्च एसोसिएशन नेशनल सुपर कंडक्टिंग साइक्लोट्रॉन लेबोरेटरी में वैज्ञानिक बनकर भारत का नाम रोशन किया है। जी हाँ, यूनिवर्सिटी की मात्र सीट के लिए इस साल जनवरी में ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, अक्टूबर में इसका रिजल्ट आया है। रुचि महाजन ने 150 देशों के कैंडिडेट्स को पीछे छोड़ दिया। डॉक्टर रुचि ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता को दिया और हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं अपने इस चैनल की टीम की ओर से। शिक्षा देने वाले शिक्षक तो देश में लाखों की संख्या में हैं, लेकिन कुछ ऐसे विरले शिक्षक भी हैं जो अपनी अनोखी शिक्षा श्रेणी से देश और दुनिया में प्रसिद्ध हैं। एक नज़र ऐसे ही अनोखे शिक्षकों पर डालते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सोनम वांगचुक से। जी हाँ, बीते 3 दशकों से शिक्षा की अलग जगाए रहने वाले शिक्षक और मैकेनिकल इंजीनियर वांगचुक उन चंद भारतीय लोगों में से हैं जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है। जी हाँ, उन्होंने सरकार, समाज और अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर शिक्षा का व्यापारिक और उपयोगिक बनाने की अनूठे प्रयास किए हैं। अब बात करते हैं सुगत मित्रा की। 2013 में टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट डिजाइन अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। कोलकाता से ताल्लुक रखने वाले स्कूल इन द क्लाउड का कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और अगर हम जैसलमेर में रहने वाले गगनदीप सिंह की बात करें तो उन्होंने दर्जनों दृष्टिहीन बच्चों की जिंदगी में शिक्षा का दीप जलाया। और अगर बात करें आदित्य कुमार की, जो साइकिल गुरुजी के नाम से मशहूर हैं, तो वो अपने घर से रोज साइकिल लेकर जगह जगह बच्चों को पढ़ाने के लिए कई सालों से जा रहे हैं। ऐसे कई और नाम हैं जो शिक्षा की एक अलग ही मकाम हासिल कर चुके हैं और अलग ही नाम अपने सुनहरे पन्नों पर दर्ज करा चुके हैं। हम इन सब शिक्षकों को नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे वो बच्चों के भविष्य को और सुनहरा बनाएंगे। त्रिपुरा के एक इंजीनियर ने कमाल कर दिया। उन्होंने गीले कपड़े से बिजली बनाकर दिखाई है। इसके लिए उन्हें इनोवेशन अवार्ड भी मिला है। खबर के मुताबिक इस तकनीकी से मेडिकल किट और मोबाइल फोन की ऊर्जा दी जाती है। शख्स को GYTI गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड भी मिला है। उन्हें ये अवार्ड केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन द्वारा दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अकॉर्डिंग ये कारनामा शंकर सुभ्रा दास ने कर दिखाया है। वो बांग्लादेश सीमा पर मौजूद एक गांव में रहते हैं। जी हाँ, ये उन्होंने ये पूरा कारनामा दिखाया है। तकनीक पूरी तरह से कैपिलरी एक्शन और पानी पर निर्भर है।
हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं ऐसे कई होनहार इंजीनियर हमारे देश से और भी हो निकलेंगे। आधार हम सभी के लिए एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। बिना आधार के हम कोई भी काम अब नहीं कर सकते हैं, लेकिन आधार के लिए अगर आपका मोबाइल नंबर चेंज हो चुका है तो आप उसको कैसे अपडेट कर सकते हैं ये आपको बताते हैं। इसके लिए आपको अपने इलाके के आधार पंजीकरण केंद्र जाना होगा। फ़ोन नंबर लिंक कराने के लिए आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, इसके आधार करेक्शन फॉर्म कहते हैं, और इसकी जानकारी आप इसमें देंगे। भरा हुआ फॉर्म अधिकारी को 25 रुपये की फ़ीस के साथ जमा कर दें। जमा करने के बाद आपको स्लिप दी जाएगी। इस स्लिप की अपडेट सीक्रेट नंबर भी आपके पास होगा। जी हाँ, इस रिसेप्ट नंबर से आप चेक कर सकते हैं कि नया फ़ोन नंबर आपके आधार से लिंक हुआ है कि नहीं। 3 महीने में आपका आधार एक नए नंबर से लिंक कर दिया जाएगा। जब आपका आधार नए मोबाइल नंबर से लिंक हो जाएगा तो उस पर OTP आ जाएगा, और OTP का इस्तेमाल कर आप ऑनलाइन अपना आधार डाउनलोड कर सकते हैं। आप आधार से नया नंबर लिंक करने के लिए स्टेटस 1947 पर कॉल करके भी जान सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी थी जो हमने यहाँ डॉन एक्सप्रेस में आपको दी, जो आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकती है। और अब आपको एक और खास जानकारी देते हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कि गूगल करने वाला है अपना जीमेल अकाउंट बंद। जी हाँ, आपको आश्चर्य होगा ये जानकर, गूगल बहुत जल्द अपना जीमेल अकाउंट बंद कर सकती है। गूगल इसके लिए नई तैयारियां कर चुका है। गूगल अपने उपभोक्ताओं के लिए अकाउंट के लिए नई नीतियां ला रहा है जो अगले साल 1 जून से प्रभावी हो सकती हैं। साथ ही साथ आप 2 साल से जीमेल, गूगल ड्राइव या गूगल फोटो को लेकर निष्क्रिय हैं तो कंपनी उन प्रोडक्ट्स के लिए आपके अकाउंट को हटा सकती है जिसमें आप निष्क्रिय हैं। कंपनी ने कहा कि नई नीतियों पर उपभोक्ताओं के अकाउंट्स के लिए जो भी किया गया है वो जल्द ही वो सामने लाएगी। जियो ने भारत में टेलीकॉम बाजार में जब से कदम रखा है तब से पूरी रूपरेखा ही बदल गई है। जियो अपने यूजर्स के लिए हर तरीके के नया नया प्लान लेकर आता है। जियो का 2599 रुपए, जी हाँ 2599 रुपीज वाला पैक सबसे ज्यादा डेटा ऑफर करता है। आपको बता दें कि रिचार्ज के बाद आपको 2599 रुपए वाला ये पैक 365 दिनों के लिए वैलिडिटी के साथ दिया जाता है, जिसमें कस्टमर को हर दिन 2 GB डेटा ऑफर होता है। इस प्रीपेड पैक में हर रोज 2 GB डेटा के अलावा 10 GB डेटा और मिलता है। अगर आप ये रिचार्ज कराते हैं तो 740 GB हाई स्पीड डेटा भी आपको मिलेगा। अगर आप ये सारा डेटा खत्म कर देते हैं तो आपको 64 KBPS स्पीड पर इंटरनेट इस्तेमाल किया जा सकता है। व्हाट्सएप ने इस हफ्ते अलग ही नए फीचर भी लॉन्च किए हैं। इस प्लान में आपको जियो टू जियो अनलिमिटेड कॉलिंग दी जाती है। इसके अलावा दूसरे नेटवर्क के लिए आपको 12,000 मिनट ऑफर किए जाते हैं। तो है ना ये लाजवाब प्लान। फिलहाल द डॉन एक्सप्रेस में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, यानी द डॉन एक्सप्रेस के साथ, और उम्मीद करते हैं आपके ये सभी त्यौहार दिवाली से लेकर भाई दौज तक बहुत अच्छे से मने होंगे। और इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। से आभार, डेली हंट डेली होम। फिर मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।